अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी टाइम से लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि वो लोग एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि माइक्रोटिक जो है, माइक्रोटिक में स्पीड का इशू आ रहा है। स्पीड का इशू क्या आ रहा है कि इंटरफेस जो है चलते थे अचानक ज़ीरो पे चले जाता है कभी, वो जिनके उनके पास जितनी भी स्पीड 100 Mbps या 50 Mbps है वो कभी 50 Mbps जाता है, कभी ज़ीरो हो जाता है, कभी 50 Mbps, कभी ज़ीरो। इस तरीके से अप डाउन स्पीड हो रही थी। तो काफ़ी लोगों के मैसेज आए मेरे पास, मैंने भी समझने की कोशिश करी, खैर मेरी समझ से बाहर हो गया था क्योंकि मैंने अभी तक ये प्रॉब्लम फेस नहीं की थी। तो इत्तेफाक की बात है, कुछ टाइम बाद मेरे साथ भी यही मसला आने लगा। तो फिर मैंने तकरीबन इंटरनेट छान मारा, मुझे इस मसले का कोई हल नज़र नहीं आया। तो फिर मैंने अपनी तरफ से इसके ऊपर कोशिश करी, काफ़ी वर्क किया इसको, मैंने माइक्रोटिक को रीसेट किया। रीसेट करने के बाद मैंने फिर दोबारा इसको कॉन्फ़िगर करके इसका लोड बैलेंसर बना के जब मैंने इसको चलाया तो कुछ दिन सही चलता है, फिर उसके बाद फिर यही मसला आने लग जाता है। और अमूमन लोगों के जो मैसेज मेरे पास आए उनके साथ भी यही मसला आ रहा था कि यार अगर रीसेट कर दो माइक्रोटिक को तो ये मसला हल हो जाता था। और कुछ दिन बाद फिर दोबारा वही कंडीशन के जनाब अचानक ज़ीरो, फिर स्पीड पकड़ने लगता है, फिर ज़ीरो पर चले जाता है। ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं, मैंने अपनी माइक्रोटिक की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी, इसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया था मैंने ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि मेरे साथ क्या मसला आ रहा था। तो आप भी देख लें कि मेरे पास जो स्पीड चल रही है इस वक्त 18 MB, फिर ज़ीरो। ऊपर आप लेन देखें, लेन में 10 MB, 19 MB, 17 MB, फिर अचानक ज़ीरो। इस तरीके से ये जो बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। अभी इसमें होता क्या था, वैसे तो इतना खैर खास मसला नहीं था, इसमें यूज़र्स तो चल रहे थे, लेकिन लोगों के पास होता यह था कि डाउनलोडिंग अचानक रुक जाया करती थी, या कभी कभी यूट्यूब की कोई भी वीडियो लोग जो प्ले करते थे वो अटकती थी। तो काफ़ी कंप्लेन आती थी। खैर इसके ऊपर जैसे तैसे मैंने इसको चला के रखा, खैर बहुत मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी तो मुझे पूरे इंटरनेट पर खैर मुझे ऐसी कोई वीडियो या कोई ऐसा माइक्रोटिक का रूल नहीं मिला जिससे मैं इस मसले को हल कर सकूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि पहले तो मैंने इसके अंदर मैंने इसके एक डायग्राम बनाई, वो आप डायग्राम ज़रा गौर से देख लें, आपको सारा आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया था, मेरे पास दो ISP हैं, ठीक है, मैंने उनको लोड बैलेंसर किया था। ये लिखा हुआ ISP1, ISP2, ठीक है, और मैंने लगाया हुआ एक माइक्रोटिक का राउटर बोर्ड, इसके अंदर मैंने लोड बैलेंसर बनाया हुआ है, ठीक है। पोर्ट 1 में मैंने ISP1 और पोर्ट 2 में ISP2, ठीक है। पोर्ट 3 से जो है आउट हो रही थी लाइन, ये बन रहा था अपना लोड बैलेंसर निकाल के आगे सर्वर को दे रहा था। अब मैंने किया क्या था, माइक्रोटिक से डायरेक्ट लाइन में सर्वर में दी थी, सर्वर से फिर मैं आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, आगे मैंने इसको डिवाइड करी हुई थी लाइन को, यानी यूज़र्स को मैं आगे ट्रांसफ़र कर रहा था ये डीलिंग के स्विच के जरिए, ठीक है। तो ये मसला मेरे को मुसलसल आ रहा था, मैं बार बार लोड बैलेंसर को रीसेट कर रहा था, रिकॉन्फ़िगर भी मैंने किया, अपने सर्वर को भी रिकॉन्फ़िगर किया। तो ये मसला कुछ दिन ठीक हो जाता था, फिर दोबारा वही मसला होने लगता था। तो थक हार के मैंने आखिर में मैंने ये सोचा कि क्यों ना माइक्रोटिक के बीच में एक अदद स्विच लगा दिया जाए, एक्सेस पॉइंट कर लो आप इसको या स्विच कर लो आप। मैंने मेरे पास एक PDCL का मॉडेम रखा हुआ था, डबल एंटीना का भी जो लेटेस्ट चल रहा है वो एक मॉडेम मेरे पास एक्स्ट्रा रखा था। तो मैंने उसको जो है DHCP डिसेबल करके मैंने उसको एक स्टेटिक IP देके मैंने इसको लगा दिया था बीच में स्विच की जगह। तो ये मेरा ये मसला जो हल हो गया था, ठीक है। तो आप लोग भी यही करें, इसमें कोई आपको रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी किसी में कोई रीसेट करने की ज़रूरत नहीं, माइक्रोटिक को आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि माइक्रोटिक में मसला है या माइक्रोटिक की कॉन्फ़िगरेशन में मसला है, ऐसा कोई भी मसला नहीं था। इसको सिर्फ और सिर्फ बीच में एक अदद स्विच आदमी लगाना, आप इस डायग्राम को देख लें ठीक तरीके से, ठीक है। ISP1, ISP2, ठीक है, यह मैंने इसको लोड बैलेंसर बनाया माइक्रोटिक को, माइक्रोटिक से जो लाइन आउट हो रही है उसके बीच में मैंने एक अदद लगा दिया स्विच, ठीक है। स्विच लगाने के बाद यहाँ से फिर मैंने सर्वर को लाइन दी, सर्वर से फिर एक स्विच लगाया, यहाँ से आप अपने यूज़र को, डेफिनेटली आपके पास भी यही स्विच लगे होंगे या किसी भी कंपनी का खैर होगा, आपने आगे यूज़र्स को लाइन देकर आपने स्विच लगाया। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग करें अपने सेटअप की, तो इंशाल्लाह ये जो आपका जो इंटरफेस का जो मसला आ रहा है ना ये नहीं आएगा। ये बार बार जो पैरामीटर ज़ीरो हो जाता है फिर वो स्पीड देने लगता है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे जो इस वक्त चल भी रहा है, मैं अपना माइक्रोटिक चेक करवा देता हूँ। ये देखें मेरे पास दो कनेक्शन है इस वक्त, मेरे पास एक कनेक्शन चल रहा है 8 MB का और एक कनेक्शन है मेरा 100 MBPS का, एक CIR मैंने लिया हुआ है एक कंपनी से, ठीक है। तो अभी इस वक्त रात के बज रहे हैं 2:29, ठीक है, इस वक्त यूज़र्स का लोड ज़्यादा नहीं है, तो इस वक्त मेरा तकरीबन 60-70 MB इंटरनेट मेरा यूज़ हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
ये देखें लेन 56 Mbps 70 Mbps आराम से चल रहा, अब ये बार बार ज़ीरो नहीं हो रहा। ये स्विच लगाने के बाद ये मसला हल हुआ है। अब ये बहुत से लोगों को ये बात बहुत अजीब लगेगी कि यार ये क्या बात हुई, मतलब कि एक स्विच लगा दिया और मसला हल हो गया। तो भाई यही हकीकत है, क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया है और ये काम कर रहा है। ये समझो मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ कि जैसे कि हम किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के ऊपर स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं कि वो वोल्टेज को कंट्रोल करके देता है। मेरा जहाँ तक अपना एक ज़ाती मैं अपना एक ख्याल बता रहा हूँ कि मेरी जो राय है वो ये है कि ये भी इसी तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सर्वर में लाइन जाती है, सर्वर से फिर हम आगे लोगों को कनेक्शन दे रहे थे, तो बीच में शायद हो सकता है पैरामीटर में मसला आ रहा है। भाई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का कुछ भरोसा नहीं, नहीं लोड बर्दाश्त कर पा रहा होगा। तो मैंने इसके अंदर एक मैंने बीच में एक स्विच लगाया और स्विच के बाद मैंने सर्वर को लाइन दी, सर्वर के बाद मैंने आगे अपने जैसे हम लोग कनेक्शन डिवाइड करते हैं यूजर्स को वैसे मैंने किया हुआ है। तो ये आपके सामने देखें 50 Mbps 66 Mbps 65 Mbps इस वक्त ये स्पीड जा रही है, तकरीबन 72-81 Mbps स्पीड मेरी इस वक्त यूजर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी देख लें, ये लोड बैलेंस है, दो वैन है मेरे पास, वैन वन वैन वन जो मैंने ऐसी एक्स्ट्रा लगाई हुई है आप लोगों को समझाने के लिए। ये मेरे पास 8 Mbps के नेट है और ये मेरे पास ओरिजिनल CIR है। ये मैंने लोड बैलेंसर बना हुआ है, वैन वन जो है मेरे पास 8 Mbps का एक पैकेज मैंने लिया हुआ है एक्स्ट्रा अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ये मेरे पास जो है वैन टू में CIR लगा हुआ है 100 Mbps का। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं मेरे यूज़र जो स्पीड यूज़ कर रहे हैं इस वक्त 55-56 तकरीबन 70 Mbps तक अभी इस वक्त डाटा मेरा यूज़ हो रहा है। और अभी इतनी देर से मैं आपको ये वीडियो मैंने वीडियो बोल रहा हूँ सॉरी, अपना माइक्रोटिक ओपन करके रखा हुआ है, दिखा दूँ मैं माइक्रोटिक मैंने ओपन किया हुआ है, ये कनेक्ट किया। ठीक है, ये देखें माइक्रोटिक चल रहा है और अभी तक इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया। वो बार बार जो ज़ीरो पे जा रहा था इंटरफेस, वो ज़ीरो नहीं हो रहा अब। ठीक है ना, आपने करना है क्या है, पहले तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए अगर आप चाहो तो अपने लोड बैलेंसों को रीसेट कर लेना, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। ISP1 ISP2 ठीक है, लोड बैलेंसर बना हुआ है, इसके बाद जो आउट लाइन निकल रही है, जो कनेक्शन आउट हो रहा है इसमें से लोड बैलेंसर में से, उसके बीच में एक अदद स्विच लगाने के बाद फिर अपने सर्वर को आपने लाइन देनी है। सर्वर के बाद आपका जो जैसे आप चलाते हिसाब किताब बिल्कुल वैसे ही रखना है। ठीक है, कोई इसमें इतना बड़ा मतलब इशू नहीं था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंटरनेट में हमें नहीं मिलती हैं, होता है क्योंकि बाज़ अवत कुछ मसले ऐसे आ जाते हैं जो इंसान की समस्या बाहर रहता है। हर मसले का हल इंटरनेट पे या यूट्यूब पे मौजूद नहीं है, तो ये मैंने ख़ुद से ट्राई किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको आपका जो ये मसला हल हुआ या नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेना। और जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक हो, आप जो जिस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ताकि मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूँ। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।